हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इबा क्लासेस। जब हम इंग्लिश में किसी से सेंटेंस पूछ रहे होते हैं तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए दो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है WH फैमिली, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जितने भी WH फैमिली है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन पूछने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर को कब यूज़ करें। तो पहले वाले स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप ये स्ट्रक्चर को तब यूज़ कीजिएगा जब आपका आंसर जो है वो येस और नो में दिया जाएगा। जैसे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम स्कूल आओगी, क्या तुम ये खाओगी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, येस या नो, हाँ या ना। तो जब आंसर येस और नो में होगा तो अब आप ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको पूछना हो क्या तुम कल स्कूल आओगे, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। इसलिए आप इसे पूछिएगा विल यू कम टू स्कूल टुमारो। इसमें WH वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना नहीं होगा, बल्कि कोई पूरा डिटेल में आंसर होगा, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं आओगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप पूछोगे जिसमें हाँ या ना में कोई जवाब नहीं होगा बल्कि पूरा डिटेल में आंसर होगा, तो उस सेंटेंस के लिए आप लोग ये दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि है WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आज हमारा टॉपिक यही है। आज हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स, और हम जानेंगे किस वक्त हमें किस WH फैमिली वर्ड का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुम क्या कर रहे हो, तो आप कहिएगा व्हाट आर यू डूइंग। यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, और अगर हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे कि अगर आपको कहना हो आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलिएगा वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आपका स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ योर स्कूल। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हम कब खेलेंगे, तो आप बोलिएगा व्हेन विल वी, हम स्कूल कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो टू स्कूल। तुम कब आए, व्हेन डू यू कम। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। आप किसी से जब कोई कारण पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पे व्हाई का यूज़ करते हैं। तुम उदास क्यों हो, व्हाई आर यू सैड। तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस। तुम वहाँ क्यों जा रही हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा। जैसे कि अगर आपको पूछना हो आप कैसे हो, तो हम बोलते हैं हाउ आर यू। तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस। तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन। अगर आपको कहना हो वहाँ कौन है, तो आप कहिएगा हु इज़ देयर। कौन आया है, हु हैज़ कम। आपका दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड। नेक्स्ट है whose। whose का मतलब होता है किसका। जैसे कि अगर आपको कहना हो यह किताब किसकी है, तो हम कहेंगे whose book। आज किसका जन्मदिन है, whose birthday is it today। यह किसकी तस्वीर है, whose picture is this। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी WH फैमिली वर्ड्स लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।